दोस्तों अब आपको भी मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया का 5 सालों का वर्क वीजा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया की कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिसके अंडर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और आपको भी मिल सकता है दोस्तों स्पॉन्सरशिप वीजा। जिन कंपनीज की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनीज जो है फॉरेन वर्कर्स को हायर करने में सबसे आगे रहती है दोस्तों, और अभी भी इनके अंडर जो है हायरिंग चालू है। अगर इन कंपनीज के अंडर आपको जॉब्स मिल जाती है दोस्तों, तो आपके रिलोकेशन का खर्चा पूरा उठाया जाएगा, आपके वर्क परमिट की फीस जो है कंपनीज देंगी, और साथ ही दोस्तों जो है आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। पूरा का पूरा तरीका बताऊंगा कि इस लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी शामिल है दोस्तों, और कैसे आप जो है इनके अंडर जॉब्स के लिए अप्लाई करके जो है खुद के लिए वीजा ले सकते हैं। अगर आप पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। पहले मैंने आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स अप्लाई करने का तरीका बता दिया है ऑलरेडी बहुत बार, मैंने सीक की वेबसाइट से, बल्कि लिंक्डइन की वेबसाइट से, इंडीड की वेबसाइट से, अलग अलग वेबसाइट से जाकर आपको बताया कि कैसे खुद के लिए स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये कोई जॉब सर्चिंग का तरीका नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट कंपनीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, कौन कौन सी कंपनीज जो है अक्रेडिटेड है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा, और कौन कौन सी कंपनीज जो है आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। पूरी की पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ ही टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलने वाले हैं। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखिए दोस्तों, ताकि आप भी खुद के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीजा सिक्योर कर सकें। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, अभी पहले आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूं और पूरी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं दोस्तों, और ये सारी की सारी कंपनीज जो है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड कंपनीज है दोस्तों, अक्रेडिटेड कंपनीज है, ठीक है। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इफ यू डोंट नो लेट मी टेल यू दैट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स टू 2 लाख इन 2023 टू बूस्ट द इकोनॉमी एंड फिल द लेबर शॉर्टेज। यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए जो इमिग्रेंट्स जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, उनका नंबर को बढ़ा करके जो है 2 लाख कर दिया गया दोस्तों। बहुत आराम से जो है आप इन कंपनीज के अंडर जॉब सर्च कर सकते हैं और वीजा लेकर के वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। अलग अलग टाइप के आपको वीजा मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, आपको किस टाइप की जॉब मिलती है इस पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको किस टाइप का वीजा मिलने वाला है, ठीक है। हम जो है आज की इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये पूरी की पूरी लिस्ट शामिल है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर से कोई भी बंदा जो है अप्लाई कर सकता है इन सभी कंपनीज में। आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, कुवैत से हैं, कतर से हैं, कहीं से भी हैं दोस्तों, डजन मैटर, आप जो है इजिली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कैन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन अप्लाई, द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कैन अप्लाई बट दे डू नॉट नीड एनी स्पॉन्सरशिप और वर्क परमिट। उनको कौन सी जरूरत है वर्क परमिट या फिर स्पॉन्सरशिप की, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए जो है फॉरन वर्कर्स अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं ये देख लेते हैं। आपके जो दोस्तों वर्क वीजा का कॉस्ट कवर किया जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। रिलोकेशन कॉस्ट दिया जाएगा, सेम डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी अग्री कर रही है कि नहीं। अगर अग्री करती है दोस्तों तो आपका खर्चा उठाया जा सकता है, ठीक है। मील्स, कभी कभी आपको खाना भी मिल सकता है दोस्तों, अलग अलग कंपनी पे भी डिपेंड करता है, मोस्टली जो है कंपनीज करवाती हैं दोस्तों और अदरवाइज नहीं भी करवाती हैं। यहाँ पर उसके बाद नीचे जो है हमें वेजेस देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, आप $21 के करीब जो है पर घंटे कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों, और इतनी सैलरी आपकी हो सकती है, ये एवरेज सैलरी बताई जा रही है दोस्तों, हो सकता है इससे कम भी मिले। वही जॉब पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की जॉब मिल रही है दोस्तों, कितना एक्सपीरियंस आपको, और हो सकता है कि इससे कई गुना ज़्यादा भी मिले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस पे भी। आपके पास जो है वर्किंग राइट्स होंगे ऑस्ट्रेलिया में काम करने के, उसके बाद बेटर एंड सेफ एनवायरनमेंट और हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको जो है मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, लिस्ट ऑफ अक्रेडिटेड स्पॉन्सर्स इन ऑस्ट्रेलिया 2023। अब यहाँ पर जो है कंपनीज की लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर इस लिस्ट में जो है दोस्तों आप इन कंपनीज के बारे में जान सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन कंपनीज की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। देख सकते हैं एयर टास्कर, एवन, एटलासियन, बीसीजी डिजिटल वेंचर्स, बिग कॉमर्स, ब्राइटे, कैनवा, क्लिप चैम्प, और ये डेटा 61, डेप्यूटी, डीजीओ, डोमेन ग्रुप, ये इतनी सारी कंपनीज है दोस्तों। आप इन सभी कंपनीज़ के बारे में जान सकते हैं। अगर आप इन कंपनीज़ के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आप खुद से इन कंपनीज़ की वेबसाइट पर जा सकें। आपको अगर इनकी वेबसाइट पर जाना है तो आपको जो है यहाँ पर इनका नाम कॉपी कर लेना है और गूगल पर जाकर सर्च कर लेना दोस्तों। जब आप इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे तो आपको जो है इनके अंडर करियर पेज पर चले जाना है और वहाँ पर जाकर के जॉब सर्च कर लेनी है दोस्तों। बहुत सारी आपको जो है कंपनीज़ देखने के लिए मिलेंगी इन सभी कंपनीज़ की, मतलब वेबसाइट्स पर आप जा सकते हैं।
सकता है कुछ कंपनी में अभी जॉब्स अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए आपको निराश नहीं होना है दोस्तों, आपको चेकआउट करते रहना है अपने हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरी वाइज जो है कंपनीज बताई गई हैं दोस्तों, वो भी सॉर्ट आउट कर दिया गया आपके लिए। अगर आपको नाम से पता नहीं चल रहा कि कौन सी कंपनी कौन सी कैटेगरी की है, तो नीचे जो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो यहाँ एटलासियन, कैनवा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ओरेकल, सेल्सफोर्स जैसी कंपनी है दोस्तों। हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस, कैलवरी हेल्थ केयर, जेनेसिस केयर, रैमसे हेल्थ केयर, ऐसी कुछ कंपनी है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। फाइनेंस से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, हर टाइप की आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी दोस्तों बहुत आसानी से। माइनिंग वगैरह की जॉब है, एग्रीकल्चर की जॉब है, और कंपनीज बताई गई हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में जॉब है। आप देख सकते हैं ग्रीन कॉर्प, एल्डर्स, न्यू फार्म, ओरिका, सेंटोस। उसके बाद टूरिज्म में देख सकते हैं दोस्तों, टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया, कांटास, उसके बाद वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, अकॉर होटल्स, इन सभी मतलब कंपनीज में जो है जॉब होंगी दोस्तों। आपको जो है बस इनकी वेबसाइट विजिट करनी है अपने हिसाब से और इनकी वेबसाइट पर जाकर के जॉब सर्च कर लेनी दोस्तों। साथ ही अगर आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप कुछ वेबसाइट्स भी देख सकते हैं जहाँ पर आप वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब सर्च कर सकते हैं दोस्तों। पहली वेबसाइट है दोस्तों वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया। वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आपको लोकल लोगों के लिए और फॉरेन वर्कर्स के लिए दोनों के लिए जॉब्स मिलती हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी अवेलेबल जॉब्स मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे, और आप उन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद सीक ऑस्ट्रेलिया है। सीक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट देख सकते हैं आप, www.seek.com.au। आप इस वेबसाइट पे जाकर के खुद के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों रीलोकेट मी। इस वेबसाइट पे भी दोस्तों आपको बहुत सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्टे ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेते हैं तो आपको जो है 5 सालों तक रुकने का मौका मिलता है। उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यहाँ पर आपको जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के टाइप्स बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से वीज़ा आपको मिल सकते हैं। स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा, स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा, स्किल्ड रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट वीज़ा, रीजनल वीज़ा, वर्क वीज़ा, टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, आपको ये सभी वीज़ा लेने के ऑप्शन मिल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए स्टेप्स क्या क्या ज़रूरी हैं, आपको जो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स सर्च करनी है और अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। रीड बिफोर अप्लाइंग एंड अप्लाई टू मैनी कंपनीज़। जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है दोस्तों, वंस यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। जब एक बार जॉब मिल जाएगी तो फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। द टाइप ऑफ वीज़ा डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब यू हैव बीन ऑफर्ड। वही चीज़ मैंने पहले भी बताई दोस्तों कि आपके जॉब पे डिपेंड करने वाला है कि किस टाइप का वीज़ा मिलने वाला है। मोस्टली इट विल बी ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा, आपको जो है मोस्टली स्किल्ड वर्कर वीज़ा ही मिलता है। योर एम्प्लॉयर विल हेल्प एंड अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट फॉर यू। अगर जॉब मिल जाती है दोस्तों तो उसके लिए जो है आपका वर्क परमिट भी तैयार करवाया जाएगा और वो एम्प्लॉयर ही करेगा अपनी साइड से। वंस यू रिसीव योर वीज़ा डिसीजन यू आर रेडी टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। एक बार जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है दोस्तों तो आप फिर ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई दोस्तों, और आपके लिए जो है इस मतलब आर्टिकल की लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप भी खुद से इस आर्टिकल पर आ सको और जॉब्स के लिए सर्च करो इन कंपनीज की इंडिविजुअल वेबसाइट्स पर जाकर के। देखा दोस्तों कितनी सारी कंपनीज जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में स्पॉन्सरशिप जॉब्स दे रही है और फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रही है। अगर आप भी इन कंपनीज की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने आपको वीडियो में बताया है आपको उस तरीके को फॉलो करना है दोस्तों। आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया मैंने इस आर्टिकल की। आप जो है कंपनी का नाम सर्च कीजिए गूगल पे, गूगल पे कंपनी का नाम सर्च करने के बाद आप जो है उसके आगे ऑस्ट्रेलिया भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट में कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे दोस्तों उन वेबसाइट्स पर जाइए। वेबसाइट्स पर जाने के बाद उनके अंडर जॉब सर्च कीजिए और जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई अगर आप करना आते हैं तो आपको जो है खुद के लिए एक रेलेवेंट सीवी और कवर लेटर बनाना पड़ेगा दोस्तों। रेलेवेंट सीवी और कवर लेटर ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का बनाना चाहते हैं तो गूगल की मदद ले सकते हैं उसके लिए भी आप, अदरवाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।